हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी के बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट। मैं जल्दी उठ गया, ये सेंटेंस हमें क्या बताता है? इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का जो ऑथर है, जो लेखक है, वो अपने दोस्त के साथ साइकिल पर जाने के लिए उस सुबह जल्दी उठ गया था। अब इसके लिए यहाँ पर हमें ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। He was an early riser, यानी कि वह हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता था। He was a late riser, क्या वो हर सुबह लेट उठता था। He got up late that morning, क्या वो उस सुबह लेट उठा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, He was a late riser, यानी कि वह देर से उठने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बाइसिकल गोज इजली एनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। ऑथर ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरी साइकिल सुबह के समय तो स्मूथली चलती है, आसानी से चलती है, लेकिन दोपहर के बाद भारी हो जाती है, यानी कि दोपहर के बाद थोड़ी टाइट चलती है। द रिमार्क इज, और हमें यह बताना है कि ये जो बात ऑथर ने अपने दोस्त से कही थी, ये किस तरह की बात थी। पहला ऑप्शन है ह्यूमरस, यानी कि ये बात मजाकिया थी। सेकंड ऑप्शन है इनएक्यूरेट, यानी कि ये बात गलत थी। थर्ड ऑप्शन है सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब होता है किसी चीज पे कटाक्ष करना, व्यंग्य करना। तो क्या ये बात कटाक्ष के रूप में कही गई थी, व्यंग्य के रूप में कही गई थी। फोर्थ ऑप्शन है एंजॉयएबल, यानी कि ऑथर ने ये बात ऐसे ही मजा लेने के लिए बोल दी थी। और फिफ्थ ऑप्शन है मीनिंगलेस, यानी कि इस बात का कोई अर्थ नहीं था। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन 1 ह्यूमरस, ऑप्शन 3 सरकेस्टिक, ऑप्शन 4 एंजॉयएबल। यानी कि ऑथर ने अपनी साइकिल के बारे में जो ये बात कही थी, ये मजाकिया भी थी, ये कटाक्ष भी था, और ये उसने मजा लेने के लिए भी बोला था। यानी कि ऑथर ने ये बात मजाक में बोली थी। थर्ड क्वेश्चन है द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली, यानी के ऑथर के दोस्त ने साइकिल को बहुत जोर से हिलाया। फाइंड 2 or 3 सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट। और आपको 2 या 3 ऐसे सेंटेंसेस बताने हैं जिनसे ये पता चलता है कि ऑथर नहीं चाहता था कि उसका दोस्त साइकिल को इस तरह से हिलाए। तो पहला सेंटेंस है, आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने उससे कहा, ऐसा मत करो, तुम साइकिल को खराब कर दोगे। सेकंड सेंटेंस है, आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। मुझे समझ में नहीं आया कि उसे साइकिल हिलाने की क्या जरूरत थी, साइकिल ने उसे कोई कष्ट नहीं दिया था। थर्ड सेंटेंस है, बिसाइड्स If he wanted shaking, I was the proper person to shake it. इसके अलावा यदि साइकिल को झटका देने की जरूरत थी तो ये काम मेरा था। इन 3 सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि ऑथर नहीं चाहता था कि उसका दोस्त साइकिल को जोर जोर से हिलाए, झटके के साथ हिलाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, If not, it would make A serious difference to the machine. What does it refer to? ये बात ऑथर के दोस्त ने कही थी कि साइकिल में एक बड़ी समस्या आ सकती है किसी चीज की वजह से। हमें ये बताना है कि ये चीज क्या थी। तो इसका आंसर है,
इट रेफर्स टू द बॉल बियरिंग्स ऑफ द बाइसिकल। व्हील यानी पहिए के अंदर आयरन बॉल्स होती हैं जिन्हें बॉल बियरिंग्स कहा जाता है। और ऑथर के दोस्त ने ऑथर से ये कहा था कि अगर हमें बॉल बियरिंग्स नहीं मिली तो इससे साइकिल में समस्या आ जाएगी। तो यहां पर इट का मतलब है बॉल बियरिंग्स ऑफ द बाइसिकल। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल, यानी कि ऑथर के साइकिल का जो अगला पहिया था क्या वो वाकई में हिल रहा था, डगमगा रहा था। व्हाट इज योर ओपिनियन, आप इस बारे में क्या कहते हैं। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो इसका आंसर है नो, द फ्रंट व्हील डिड नॉट वोबल, यानी कि साइकिल का अगला पहिया डगमगा नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। द ऑथर सेड दैट इट डिड नॉट वोबल, और इस चैप्टर में ऑथर ने भी ये कहा था कि ये पहिया हिल नहीं रहा था। इट बिगेन वोबल ओनली आफ्टर द रिपेयर बिकॉज सम ऑफ द बॉल्स वर लॉस्ट, और साइकिल का अगला पहिया रिपेयरिंग के बाद हिलना शुरू हुआ क्योंकि इस पहिए के कुछ आयरन बोल्ट्स खो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम द टूल शेड। इसका ये मतलब है कि जब ऑथर औजारों वाली कोठरी से वापस आया तो उसने साइकिल को किस स्थिति में पाया। इसका आंसर है व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड फ्रॉम द टूल शेड हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ द फ्रंट व्हील। इसका ये मतलब है कि जब ऑथर औजारों की कोठरी से वापस आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त ने साइकिल का अगला पहिया निकाल लिया था। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाइसिकल वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ, और साइकिल का बचा हुआ हिस्सा यानी के साइकिल का शेष भाग पथरीले मार्ग पर पड़ा हुआ था। ग्रेवल पाथ यानी के पथरीला मार्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस। ऑथर के दोस्त ने ये बात कही थी कि गियर केस को अलग करना सबसे आसान काम है। कमेंट ऑन और कंटिन्यू द सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हमें ये बताना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। इसका आंसर है द फ्रेंड हैड ओवर कॉन्फिडेंस इन हिज स्किल टू सेट द बाइसिकल राइट, यानी कि ऑथर के दोस्त को साइकिल को ठीक करने की अपनी काबिलियत पर अति आत्मविश्वास था। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑथर के दोस्त को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसमें इतनी स्किल है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो साइकिल को ठीक कर सकता है। ही हैड सर्टनली नो प्रॉब्लम इन टेकिंग ऑफ द गियर बॉक्स, यानी कि उसे गियर बॉक्स को अलग करने में, गियर बॉक्स को खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। बट लेटर ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीफिक्स इट, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि गियर बॉक्स को दोबारा लगाना बहुत मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव, यानी के ऑथर के दोस्त ने चैन के साथ क्या खास काम किया, चैन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। इसका आंसर है द फ्रेंड टाइटन्ड द चैन सो हार्ड दैट इट वुड नॉट मूव एट ऑल, यानी के दोस्त ने साइकिल की चैन को इतना टाइट कर दिया कि चैन घूमना ही बंद हो गई। ही देन मेड इट लूज अगेन, फिर दोस्त ने साइकिल की चैन को लूज कर दिया, ढीला कर दिया। बट दिस टाइम द चैन बीकेम ट्वाइस एज लूज एज बिफोर, लेकिन
इस बार चैन पहले से दुगनी लूज हो गई थी, पहले से दुगनी ढीली हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्रेंड हैज टू क्वालिटीज, यानी के ऑथर के दोस्त में दो विशेषताएं थी, टू क्वालिटीज थी। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड। एक तो ये कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, और दूसरा ये कि उसे ये विश्वास है कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। फाइंड द टू फ्रेजेस इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम। और हमें इस चैप्टर में से दो ऐसे फ्रेजेस बताने हैं जो हमें ऑथर के दोस्त की इन दो क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो पहला फ्रेज है चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यानी के ऑथर के दोस्त में हसमुख आत्मविश्वास था। और दूसरा फ्रेज है योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, यानी के ऑथर का दोस्त आशावादी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन, यानी के साइकिल और ऑथर के दोस्त में जो लड़ाई हुई थी हमें उसके बारे में बताना है। फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। और इस चैप्टर में जिन सेंटेंसेस में इस लड़ाई के बारे में बताया गया है हमें वो सेंटेंसेस लिखने हैं। द ऑथर्स बाइसिकल डिड नॉट नीड एनी रिपेयरिंग, यानी के लेखक की जो साइकिल थी उसे रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं थी। बट ऑथर्स फ्रेंड मेड इट अ बिग इश्यू, लेकिन ऑथर के दोस्त ने, लेखक के दोस्त ने इसे एक बड़ा मसला बना दिया। अब हम देखेंगे कि ऑथर के दोस्त और ऑथर की साइकिल में लड़ाई कैसे हुई। वन मोमेंट द बाइसिकल वॉज ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, यानी कि एक पल तो ऐसा होता कि साइकिल पथरीले मार्ग पर गिरी होती थी और ऑथर का दोस्त उसके ऊपर चढ़ा होता था। द नेक्स्ट मोमेंट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, लेकिन अगले ही पल जो स्थिति थी वो बदल जाती थी। He on the gravel path, the bicycle on him, यानी के अब ऑथर का दोस्त पथरीले मार्ग पर गिर जाता था और साइकिल उसके ऊपर होती थी। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. और फिर ऑथर का दोस्त विजयी हुआ और साइकिल उसकी टांगों के बीच में फंसी हुई थी। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी ये विजय थोड़े समय के लिए ही थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। अचानक से साइकिल ने खुद को आजाद कर लिया और ऑथर के दोस्त के ऊपर गिर गई और अपने एक हैंडल से उसके सर पर चोट मारी। अब हम देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1 है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग शुड और ought to और मस्ट इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के शुड ought to और मस्ट ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ought to का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। जैसे हम कभी किसी से कहते हैं तुम्हें ये काम करना चाहिए या फिर तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अब इन तीनों का ही मतलब चाहिए होता है तो इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले हम शुड और मस्ट में डिफरेंस देखते हैं। शुड का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ज्यादा जरूरी काम के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। और ought to का यूज तब किया जाता है जब हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए।
और शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को नॉर्मली कोई एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। और यहां पर हमसे ये कहा गया है कि हमें जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, जैसे कि यहां पर इटैलिसाइज्ड वर्ड है ओब्लाइज्ड, जिसको हमने आपके लिए अंडरलाइन किया है, तो इसकी जगह हमें इन तीनों में से कोई एक मॉडल यूज करना है और इस सेंटेंस को नए तरीके से लिखना है, लेकिन उसका मतलब सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर ओब्लाइज्ड to do your duty irrespective of consequences, यानी के नतीजे की परवाह किए बिना तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे you must do your duty irrespective of consequences, और इस सेंटेंस का मतलब भी यही है कि नतीजे की परवाह किए बिना तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है, यू विल डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे, यानी कि तुम्हें हर रोज एक घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे यू शुड स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। थर्ड सेंटेंस है, द डॉक्टर सेज इट इज नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 hours एवरी नाइट, डॉक्टर कहता है कि उसके लिए यह जरूरी है कि वो हर रात 8 घंटे सोए। तो यहां पर हम लिखेंगे द डॉक्टर सेज शी मस्ट स्लीप 8 hours एवरी नाइट, यानी कि डॉक्टर कहता है कि उसे हर रात 8 घंटे सोना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस है, इट इज राइट दैट यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर्स, यानी कि तुम्हें बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और छोटों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। अब क्योंकि यहां पर हम नैतिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ओट टू का यूज करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे यू ओट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर्स। इसका मतलब भी वही है कि तुम्हें बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और छोटों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। फिफ्थ सेंटेंस है, इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि सेहतमंद रहने के लिए तुम्हें नियमित तौर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। सिक्स्थ सेंटेंस है, इट इज गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हर सुबह सैर के लिए जाओ। यहां पर हम लिखेंगे यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि तुम्हें हर सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। सेवेंथ सेंटेंस है, इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि तुम्हारे लिए ये जरूरी सलाह है कि तुम सर के बल खड़े मत हो। क्योंकि यहां पर हम ज्यादा जरूरी चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मस्ट आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि तुम्हें अपने सर के बल खड़ा नहीं होना चाहिए। एट्थ सेंटेंस है, एज ही हैज अ कोल्ड इट इज बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड, क्योंकि उसे सर्दी लगी हुई है, उसके लिए यह अच्छा है कि वो सोने चला जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे एज ही हैज अ कोल्ड ही शुड गो टू बेड, क्योंकि उसे सर्दी लगी हुई है तो उसे सोने के लिए जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज शुड और मस्ट और ओट टू एप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें हमें या तो शुड का यूज करना है, या मस्ट का यूज करना है, या फिर ओट टू का यूज करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि शुड का यूज एडवाइस देने के लिए किया जाता है, जैसे कि तुम्हें यह काम करना चाहिए या फिर तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, और जब एडवाइस ज्यादा जरूरी होती है तब हम मस्ट का यूज करते हैं।
और जब हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं तब हम ought to का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस डैश नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी के जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे शुड। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है, यू डैश वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। तो यहां पर हम लिखेंगे मस्ट। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, यू मस्ट वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स, यानी के घर के अंदर आने से पहले तुम्हें अपने पैरों को धोना चाहिए, खास तौर पर बारिश के दिनों में। थर्ड सेंटेंस है, यू डैश डू व्हाट द टीचर टेल्स यू। यहां पर हम लिखेंगे मस्ट। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, यू मस्ट डू व्हाट द टीचर टेल्स यू, यानी के तुम्हें वो करना चाहिए जो टीचर तुमसे कहता है। फोर्थ सेंटेंस है, द पीपल्स वर टोल्ड दैट दे डैश राइट मोर नीटली। पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बताया गया था कि उन्हें और ज्यादा सफाई से लिखना है। यहां पर हम लिखेंगे शुड, और इसे अब हम कैसे पढ़ेंगे, द पीपल्स वर टोल्ड दैट दे शुड राइट मोर नीटली, यानी कि स्टूडेंट्स को बताया गया था कि उन्हें और ज्यादा सफाई से लिखना चाहिए। फिफ्थ सेंटेंस है, साइन इन फ्रंट ऑफ अ पार्क यू डैश नॉट वॉक ऑन द ग्रास। यहां पर हम लिखेंगे मस्ट, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, साइन इन फ्रंट ऑफ अ पार्क यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, यानी के पार्क के सामने एक साइन बोर्ड पर यह लिखा था कि तुम्हें घास पर नहीं चलना चाहिए। सिक्स्थ सेंटेंस है, यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ रिमार्क। यहां पर हम लिखेंगे ought to, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, यू ought to बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ रिमार्क, यानी के तुमने जो ये बात कही है इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। सेवेंथ सेंटेंस है, ही लेफ्ट होम एट 9 o'clock, ही डैश बी हेयर एनी मिनट। यहां पर हम लिखेंगे शुड, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ही लेफ्ट होम एट 9 o'clock, ही शुड बी हेयर एनी मिनट। वह 9 बजे घर से निकल गया था तो वह किसी भी समय यहां पहुंच जाना चाहिए। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह 9 बजे घर से निकल गया था तो किसी भी समय वह यहां पर पहुंच सकता है। एट्थ पार्ट है, व्हाट एवर हैपेंड टू द चॉकलेट केक, हाउ डैश आई नो आई हैव जस्ट अराइव्ड। यहां पर हम लिखेंगे शुड। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, व्हाट एवर हैपेंड टू द चॉकलेट केक, हाउ शुड आई नो आई हैव जस्ट अराइव्ड, यानी कि चॉकलेट केक के साथ क्या हुआ, मुझे ये कैसे पता होगा, मैं तो अभी आया हूं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चॉकलेट केक के साथ क्या हुआ, मुझे कैसे पता होना चाहिए, मैं तो अभी आया हूं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।